प्रातः क्लास चल रहा था 24 जून 1968 सोमवार को सातवें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि वो दादा कौन सा दादा जो ब्रह्मा भी है, ये दादा नहीं, वो दादा जो ब्रह्मा भी है। वो कौन सा दादा है जो ब्रह्मा भी है? है जल्दी बताओ। हाँ, वो प्रजापिता को भी लिए दादा कहा जो ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा है माना ब्रह्मा का पार्ट भी। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो बताया जिसका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो उनमें भी जो पांचों मुखों को संगठित करने वाला है वो ब्रह्मा। वो भी श्रीमत पर बन करके और फिर देवता बनते हैं। कौन सा देवता बनते हैं? तो देवता बनते हैं महादेव, या तो उन्हें कहो आदि नारायण। तो वो भी देखो बोलने का फुर्सत तुमको नहीं हो देगा। क्या? वो इतना बोलने वाला है कि तुमको बोलने का फुर्सत देगा ही नहीं। तुमको बोलने का फुर्सत नहीं देगा, अपना ही नशा चढ़ा हुआ रहता है। तुमको एक को कहा जाता है, बहुतों को, तुमको तेरे को कहा जाता है एक को। तुमको माने हाँ कम से कम दो, नहीं तो ज्यादा भी। तुमको बोलने नहीं देगा, उनको अपना ही नशा रहता है। तो देखने में आते हैं ना देखने में बच्चे, समय पड़ा हुआ है। समझने का सबको है। वो सन्यासी भी आकर के तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे, पढ़ना ही है, परंतु टू लेट आवेंगे। क्या? हाँ, इतना वो योग वोग कभी सीख भी नहीं सकते हैं। कितना? जितना याद में तुम गहरे ही रहेंगे इतना वो योग वो नहीं सीख सकेंगे। क्यों नहीं सीख सकेंगे? क्योंकि हर एक को अपने अपने धर्म में जाना है। जो भी मुख्य मुख्य धर्म है ना, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, ये चार तो मुख्य धर्म है ना, बाकी तो बाद में इन्हीं के सहयोगी धर्म आते रहते हैं। मुख्य धर्मों में देवी देवता धर्म है, परंतु वो अभी है नहीं। अभी तुम अपने धर्म में जाएंगे, अभी नहीं है, लेकिन तुम अपने धर्म में जाएंगे। सो तुम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये पुरुषार्थ
अभी जो तुम स्कूल तुम्हारा ये है ना, ये फिर हू बहू यही बच्चियां, यही कपड़े वाली, यही शिकल वाली, यही फीचर्स वाली, फिर 5,000 वर्ष के बाद फिर यहां होंगी। कहते हैं ना बाबा, हम कल पहले भी आपसे मिले थे। कहां मिले थे? यहीं मिले थे आपसे। और तुम्हारी ड्रेस क्या थी? यही ड्रेस थी, यही जगह थी, यही। तो अजब खाते हैं, ये कैसे हो सकेगा? ये जो मकान, फिर ये इतना चक्कर के बाद फिर ये मकान बनेंगे क्या? बनेंगे। अभी पत्थर कटवाते हैं ना, पहाड़ियां कटवाते हैं, तो बोलते क्या, पहाड़ी तो कट गई, फिर ये कैसे आकर के कटवा के ये बनाएंगे? तो उनमें मुझते हैं, बहुत बहुत मुझते हैं। तो फिर उन मुझने वालों को समझाते रहते हैं, समझाते हैं ना ड्रामा के अनुसार, बस फिर सब नया नया बन जाता है एकदम, एवरीथिंग न्यू। नहीं तो कहां से लाएंगे इतना सोना, इतना सोना कहां ले जाएंगे और कहां से लेके आएंगे? इतने हीरे तो कट सट करके खलास हो गए, कहां से आएंगे? परंतु नहीं, जबकि हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं तो ये तो कट खजाना होगा, जो फिर बाप आके कहेंगे कहां गया, फिर आएंगे, फिर बाबा कहेंगे अरे तुम बच्चों को इतना खजाना दिया कहां गया? तो ये तो चक्कर फिरता रहता है, फिरता रहता है ना। बायोस्कोप भी जब भी देखते हो फिर बरोबर लड़ाई लगती है, अच्छा सब टूट फूट करके जाते हैं, मर जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर वो ही ये चित्र, वो कहां से आई है? क्या नया महल बनाया? नहीं, ये सभी शूट किया जाता है ना, तो सभी फिर देखने में आता है, सहज है, बहुत अच्छी तरह से भगवान पढ़ाते हैं। तो भी पढ़ाई पढ़ाने में टाइम तो बहुत लगता है। हाँ, कोई थोड़ा टाइम थोड़ा ही लगता है। 24 जून 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज है जरूर पुरुषोत्तम संगम युग,
युग भी जरूर आते हैं, तो नहीं समझते हो कि ये दादा बैठ करके ये पढ़ाते हैं? नहीं, दादा थोड़े ही पढ़ाते हैं। हाँ, दादा बीच बीच में आते हैं, इंटरफियर करते हैं जरूर, क्योंकि ये भी तो सुनते हैं, हैं? जैसे तुम सुनते हो ये भी सुनते हैं, और फिर ये समझाते भी हैं, तभी तो इतना ये भी तो अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टूड है ना। बाबा जिसमें आते हैं, बाबा वो ही मुरली बजाते हैं, परंतु ये भी तो कुछ बजाते होंगे ना, नहीं तो भला ये ऊंचा पद ऐसा कैसे पाएंगे, क्योंकि ये तो इनकी तो सर्टेन है, ये जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहां भी तो इनको देखते हो, देखते हैं। अच्छा, कौन सूक्ष्म वतन में जाते हैं? कौन जाते हैं सूक्ष्म वतन? अरे ब्रह्मा की बात हो रही थी ना, ये ब्रह्मा उनके लिए पहले ही बता दिया, क्या 1 साल पहले ही बता दिया, ये सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहां भी तो इनको देखते हैं। कौन देखते हैं? जो भी संदेशियां होती हैं वो देखती हैं। हाँ, वहां भी जाते हैं, कुछ भी लेकर के आते हैं तो शिव बाबा भी वहां ही उनमें आकर के फिर वो मिलते करते हैं, क्योंकि शिव बाबा को भेज देती हो कोई भी चीज। अच्छा, मान लो भोग लगाती हो तो भी तो उनमें ही आकर के लगाती हो। तो अभी ये भी देखो कैसा साक्षात्कार है ड्रामा में, कोई आता जाता, दो बातें नहीं है वास्तव में। बात कहते हैं ना, ये सूक्ष्म वतन भी हम उड़ा सकते हैं, पिछाड़ी में तो ये उड़ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बाबा डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं ना। सूक्ष्म वतन की बात थोड़े ही होती है, योग रखो, मूल बात तो ये है, बाकी सब जो इतना कुछ समझानी देते हैं ना वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ, मूल बात है मनमना भव मध्याजी भव, वो जो गीता बनाई हुई है उन्होंने, उनमें भी वो देखो ये अच्छे हैं। बाबा कहते हैं ना, आटे में लून ये ज्ञान थोड़ा बहुत, शास्त्रों में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ये ज्ञान प्रायः लोप हो गया है, तो शास्त्रों में भी सो भी गीता और तो कोई शास्त्र कुछ काम के नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि गॉड इज वन, तो उनकी पढ़ाई भी एक ही शास्त्र, एक ही होनी चाहिए,
हैं, और जो उन्होंने ढेर सारे शास्त्र बनाए रखे हैं, तो एक पढ़ाई पढ़ाने वाला तो कोई 10 शास्त्र थोड़े ही होंगे है। 10 क्यों, 20 क्यों नहीं बता दिए? क्योंकि मुख्य मुख्य धर्म पिताएं भी तो दुनिया में 10 ही हैं है। कौन कौन है 10 धर्म पिताएं है? मुख्य मुख्य कौन कौन है? मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं, पहला तो है प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता, 500-700 करोड़ जो भी प्रजा है मनुष्यों की सृष्टि में सब का पिता। और फिर है ब्राह्मणों का पिता, ब्राह्मणों को जन्म देने वाला है। फिर वो बाप आते हैं तो प्रजापिता के द्वारा ब्राह्मणों को क्या बनाते हैं? ब्राह्मणों को बैठ देवता बनाते हैं, हैं? तो दो तो ये हो गए, एक तो प्रजापिता, एक ब्रह्मा है, और तीसरा इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, इन धर्मों को भी स्थापन करने वाला है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। फिर संन्यास धर्म स्थापन करने वाला शंकराचार्य, और उसके आगे मोहम्मद, मुस्लिम धर्म स्थापन करने वाला, फिर सिख धर्म स्थापन करने वाला नानक, फिर तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ जाता है, आर्य समाज ही होगा है। और उसके बाद आर्य समाज ही तो आधे नास्तिक है, क्यों? क्योंकि आधा मानते हैं, आधे को नहीं मानते। क्या मानते हैं? निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। अरे निराकार आत्मा साकार शरीर के बगैर कुछ काम करेगी क्या? इतनी अकल उनमें नहीं है। भारत का आखिरी धर्म पिता है ना है। फिर उसके बाद और भी एक नास्तिक टोटल, वो तो फिर न निराकार को मानता, न साकार को मानता, न स्वर्ग को मानता, न नरक को मानता। मानता है, है? हाँ, वो आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, भगवान को ही नहीं मानता। तो वो है लास्ट है। तो ये 10 धर्म पिताएं हैं। अब ऐसे नहीं कि 10 धर्म पिताओं के 10 शास्त्र होंगे। अरे हर एक को एक होते हैं ना, बाइबल या ये कुरान या ये एक होते हैं। पढ़ाने का होता है, समझाने का होता है, और उनमें चरित्र वरित्र की तो कोई बात ही नहीं। चरित्र सुनने से किसका क्या होगा? चरित्र सुनने से तो कोई कुछ बात होती नहीं है, नहीं। और यहां तो है याद की बात। याद करेंगे तब पाप कर्म बने विनाश होंगे। कभी थकता नहीं हूं तो क्या करें? ये जो दुक्कड़ है ना है, ये आर्गन स्वरूपी दुक्कड़ गाते हैं। अभी ये कोई कर्मातीत अवस्था को तो पहुंचा ही नहीं है कि कर्म इंद्रियों से अतीत हो जाए, यही नहीं पहुंचा है, है? तो फिर दूसरा कैसे पहुंचेंगे? पूछते भी हैं कभी कभी, ऐसे ही हंसी कुड़ी से पूछते हैं। ये भी ड्रामा में है,
कभी पूछते हैं, नहीं तो कुछ भी कुछ पूछते थोड़े ही हैं। ऐसे ही हंसी कुड़ी में बाबा छी, ये इंजेक्शन क्या पिछाड़ी तक चलेगा? हाँ पिछाड़ी तक चलेंगे। हाँ पता है, जब तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे तब तो शरीर ही छोड़ देंगे, है? फिर तो शरीर की स्मृति भी नहीं आवेगी, पुराना शरीर छोड़ देंगे, पीछे तो कोई बात उठती ही नहीं है। तो यहां है निशानी, और ये तुम्हारी जरूर निशानी चाहिए। तब क्या करेंगे? हाँ, और फिर विवेक भी कहता है, हाँ पिछाड़ी तलक है ये शरीर की जो कर्म भोग है ना, वो चलती रहेगी। तो इसका भी तो कर्म भोग बड़ा बताते हैं ना, कहते हैं ना यही पहले नंबर में है और यही लास्ट है। तो इनका भी तो कर्म भोग होगा ना, है? सबसे जास्ती होगा। जो बाबा नहीं समझाते बच्चों को, तुम्हारे पास जो भी तूफान आए सो मेरे पास भी जरूर होते हैं। तुम भी कुछ भी तूफान आए मुझे समझाओ, मैं तुमको सब समझाऊंगा। मेरे साथ भी ये सब बातें होती हैं। किसने कहा? हाँ ब्रह्मा बाबा ने कहा, मेरे साथ भी ये सब बातें होती हैं। फलानी होती, टीरी बातें होती, तो ये होती हैं, होती हैं, जरूर होती हैं, सब होगा जरूर। और बहुतों की तो कर्मातीत अवस्था बन ही नहीं सकती है। कर्म इंद्रियों की पछाड़ में आते ही रहेंगे, सिवाय पीछे सजा के। सजा खाएंगे, खा खा के फिर कर्मातीत बनेंगे। तो बच्चे बहादुर वो जो पुरुषार्थ खूब करे, और फिर बच्चों की मुरली भी ऐसी ही चलनी चाहिए, और उस मुरली में जौहर भी याद वालों का चाहिए। देखो ये बात समझते हो है? किसको कितनी सिंपल बात समझाते हो तुम, कितना बाबा को इंसल्ट करते हो, बहुत। कोई भी ऐसा किसको गाली नहीं देते, बल देते हो, पत्थर बुद्धि कहते हो अपने बच्चों को, पर वो तो जैसे कि एक हंसी गुड़ी में कह देते हो। वो तो प्रैक्टिकल में एकदम एक कोई सभी कहती वरी, सभी कहते हैं कि बाबा ठिक्कर में है, भीतर में है, फलाने में है, टीरे में है, समझ लेते हैं। देखो आते हैं ना, सभी कहते ईश्वर, ईश्वर तो सर्वव्यापी है,
कुत्ते में है, बिल्ली में है, भित्तर में है, ठिक्कर में है, उसका भी अर्थ फिर निकला। क्या निकला है? क्या निकला? कामी इस्लामी जैसे कुत्तों में है, बित्तर में है। बताया ना, जो ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके सामने खड़े हो जाते हैं, आगे न खुद बढ़ेंगे न दूसरों को बढ़ने देंगे, तो ऐसे बित्तर माने भीत, भीत माने दीवाल, ठिक्कर में मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें ठोकर मारो ये बिखर जाएगा। तो ऐसे भी ज्ञान में चलने वाले हैं, थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और बिखर जाते हैं, टूट पड़ते हैं। फिर कहते हैं कच्छा अवतार। कछुआ क्या करता है? कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाएगा। मच्छा अवतार, माछले का अवतार, वो माछला होता है ना बड़ा है, घड़ियाल, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्रोकोडाइल। हाँ, तो वो तो सारी मछलियों को खा जाता है। कहते हैं कुत्ते में है, बिल्ली में है। बिल्ली तो कितना लड़ाई लड़ते हैं, कच्छा अवतार, मच्छा अवतार। तो बात तो ठीक ही है ना, है? कैसे ठीक है? क्या कच्छ मच्छा अवतार लेते हैं? नहीं, कछुओं जैसे मनुष्यों में जो ऐसा पार्ट बजाने वाले मनुष्य ही हैं, तो उनमें आकर के पार्ट बजाते हैं, तो भी कुछ समझते हैं क्या? कौन पार्ट बजाते हैं? हैं? क्या आत्माओं का बाप पार्ट बजाते हैं? नहीं, वो तो एक में आके पार्ट बजाते हैं मुकर्रर रूप से। बाकी जिस एक में पार्ट बजाते हैं वो तो कोई भी रूप धारण करता है। 84 लाख योनियों का भी बाप है या नहीं? है? वो है 84 लाख योनियों का बाप। तो बाप है तो वो रूप धारण करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो ये बातें बहुत मुश्किल कोई समझेंगे, बोलेंगे ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बोलते हैं, और सभी समझते हुए भी फिर भी आगे आए कर करके और योग में रह करके अपनी अवस्था को सुधार, वो भी बड़ा मुश्किल है। ओम शांति।